हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 और अभी चल रहा है टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के ऊपर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी 06 बनाया, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी 07 बनाया। करंट इलेक्ट्रिसिटी 06 जो कि एक घंटे का लेक्चर था, उसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का आपको बेसिक्स पढ़ाया कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे डील करते हैं, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है और छोटे मोटे सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर वो वीडियो आपको देखना हो तो यूट्यूब पर टाइप करें करंट इलेक्ट्रिसिटी 06 फिजिक्स वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पार्ट वन फिजिक्स वाला, ऐसे भी मिल जाएगा। इसके बाद आया करंट इलेक्ट्रिसिटी 07 जिसमें हमने कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट उठाए। वहां पे भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही था पर वो डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो हमने एक मेथड लगाया था पोटेंशियल मेथड, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने एक इनफाइनाइट नेटवर्क यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जहां पे हो उसको सॉल्व करने का तरीका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका सिखाया। तो अगर आपको ये सब सीखना है तो टाइप करें यूट्यूब पे करंट इलेक्ट्रिसिटी 07 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट टू फिजिक्स वाला। आज का जो लेक्चर है वैसे तो लिखा है व्हीट स्टोन ब्रिज, वैसे भी व्हीट स्टोन ब्रिज ही पढ़ोगे पर यह भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का ही एक लेक्चर है। पांच रेजिस्टर का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। और कॉम्पिटिशन देख लो, अपना आईआईटी देख लो, नीट देख लो, अपना बोर्ड देख लो, इस वाले कॉम्बिनेशन का सवाल जरूर फंसता है इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन का। तो शुरू किया जाए, इसको समझा जाए क्या चीज है। इसके ऊपर हमारा एक एप्लीकेशन भी है बाद में, मीटर ब्रिज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी पढ़ना है, इसी का एप्लीकेशन है। शुरू करें। सो यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर क्यूट ब्यूटीफुल एंड प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लो, चूहे को मार के खाना बंद कर दो और नोट्स अपने बनाओ, सबसे बेटर होगा। और जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाके www.physicswalaalakhpandey.com से इस लेक्चर के PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक उसका नीचे कमेंट में मैंने दे दिया है या थोड़ी देर बाद दे दूंगा। स्टार्ट करें। हाँ तो भाई, इस खूबसूरत सी शाम में आप टॉपिक का नाम लिखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट गेहूं पत्थर का पुल, ठीक है। तो गेहूं पत्थर का पुल हमें बनाना है, ऐसा नहीं है। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है व्हीट स्टोन, उन्होंने एक पांच रेजिस्टर का एक कॉन्फ़िगरेशन देखा जो उनको बड़ा प्यारा लगा और उसके ऊपर नाम रख दिया व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो टर टेउ कचक 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 कचियो कचक 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 कियो कचक 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 कियो कचक 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 कियो कचक 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 कचियो। ये पांच रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल, दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज। एक टर्मिनल ए, एक टर्मिनल बी, यहाँ रेजिस्टेंस मान लो आर वन, यहाँ मान लो आर टू, यहाँ मान लो आर थ्री, यहाँ मान लो आर फोर, यहाँ मान लो आर फाइव। ये मत कहना कि ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये तब व्हीट स्टोन, नहीं, व्हीट स्टोन तो ये बन गया। पांच रजिस्टर का कॉम्बिनेशन इस टाइप का दिखता है, देन इट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। दिस इज सिंपली व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी समझ लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वक्त कहीं पे पांच या छह रेजिस्टेंस दिखें और सीरीज और पैरेलल नहीं दिख रहा हो तो 90% चांस है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का सवाल है। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं सर आप पहचानते कैसे हो कि व्हीट स्टोन है, हमेशा ऐसा थोड़ी ना कि पतंग बना के आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे पतंग देख के, बहुत कॉम्प्लेक्स बना के आएगा एग्जाम में, पकड़ना पड़ेगा व्हीट स्टोन का एग्जाम्पल है। तो कैसे पकड़ोगे, जहां क्या दिखे पांच या छह रजिस्टर और वो सीरीज और पैरेलल में ना हो डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं 90% चांसेस है कि इधर ही आएगा। छह भी हो सकता है, अभी दिखाएंगे कैसे, एक रजिस्टर बाहर कर देते हैं कहीं, ठीक है। अभी समझे व्हीट स्टोन ब्रिज है, सवाल यहाँ से नहीं आते, सवाल आते हैं इसकी एक स्पेशल कंडीशन से जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। यही हमें पढ़ना है आज पूरा, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। यहीं से सवाल बनता है, अनबैलेंस से बनता है तो वो तो आगे सीखोगे जब कोई और लॉस पढ़ाएंगे। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है कि ये जो बीच वाला रेजिस्टर है इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, देयर इज नो करंट इन मिड रेजिस्टर
उसको मिड रजिस्टर बोला R5। आज के लेक्चर में हम मिड रजिस्टर जब भी यूज करें समझ जाना बीच वाले रजिस्टर की बात कर रहे हैं। देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर R5। अगर ऐसा होता है, इफ दिस हैपेंस है ना, देन ऐसा होता है मतलब यहां कोई करंट नहीं जाएगा। करंट कहां से आया? अरे AB के अक्रॉस एक सेल लगा लो, क्या लगा लो, एक बैटरी लगा लो। ऐसे ही तो करते हैं ना, टर्मिनल्स के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हैं। मान लो इस बैटरी से कुछ करंट निकला I, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट I निकला, यहाँ I पहुँचा। अब I के पास दो रास्ते हैं, इधर जाए और इधर जाए। तो मान लो इसमें करंट आ गया I1 और इसमें करंट आ गया I2। अब ढंग से जब ये I1 यहाँ पहुँचेगा तो I1 को डिवाइड होना चाहिए। देखो ना, I1 यहाँ पहुँचा, कुछ इधर जाना चाहिए कुछ इधर, पर ये कह रहे हैं ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन ले रहे हैं दैट देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, एक पर्टिकुलर कंडीशन, मतलब ये जो I1 आया है यहाँ से पूरा इधर चला गया, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं आया। और उसी तरह से जो ये I2 आया है, ये भी यहाँ पे दो रास्ते थे इसके पास। देखो I2 ऐसे बढ़ता आया, कुछ इधर जाना चाहिए। जैसे मान लो 5 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर इधर, 3 एम्पियर इधर, पर नहीं पूरा का पूरा I2 इधर चला गया, इसमें कोई करंट ही नहीं गया। ये पर्टिकुलर कंडीशन है व्हेन देयर इज नो करंट इन द मिड रेजिस्टर। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं आया। देखो एक काम करते हैं, इस पॉइंट का नामकरण कर देते हैं अपन एक्स और इस पॉइंट का नामकरण कर देते हैं अपन वाई। एक्स और वाई ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई? किसी ब्रांच में करंट कब फ्लो करता है? व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं था। जो x का पोटेंशियल था वही y का पोटेंशियल था, तो करंट ना इधर से इधर जाना चाहता है ना इधर से इधर। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि x एंड y हैव सेम पोटेंशियल। तो कंडीशन है कि अगर करंट नहीं फ्लो किया, इसमें से अगर करंट नहीं फ्लो किया, अगर x और y का पोटेंशियल सेम हुआ तभी करंट नहीं फ्लो करेगा। देखो मान लो ये 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, तो करंट यहाँ आया, करंट कहाँ, इधर जाना है, उधर भी पोटेंशियल कितना है, 20। करंट ऐसे थोड़ी ना बहता है, करंट को क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस, हायर से लोअर, तो उधर क्यों जाएगा, इधर चला गया। अगर ऐसा हो रहा है देन डेफिनेटली R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, ऐसा पक्का हो रहा होगा। जो बाई जो इज इक्वल्स टू जो बाई जो, क्लियर है। R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। उल्टा भी सोच सकते हो, अगर ऐसा हो रहा है तो बीच वाले रेजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगा। अब देखो इसका फायदा क्या है, इसका मान लो ऐसा ही सर्किट बन के आता है और ऐसा इत्तेफाक होता है जो कि होगा 99% टाइम कि ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, ऐसा ही देते ही हैं वो, है ना। अदरवाइज ना सीरीज है ना, अदरवाइज कैसे सॉल्व करोगे? अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन ए से बी का सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं दिखेगा। किरचॉफ लॉ लगाओ, है ना, लूप लॉ लगाओ, और कोई तरीका नहीं, कैसे निकालोगे? अगर इसमें करंट नहीं गया तो बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? इफ देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर 5, वी कैन रिमूव मिड रेजिस्टर R5। अब उसमें करंट ही नहीं जा रहा है, मतलब वो सर्किट में है ही नहीं, करंट ही नहीं जा रहा मतलब सर्किट में है ही नहीं, तो उसको हटा दो। यहां से तोड़ दिया कनेक्शन, है ही नहीं सर्किट में, वो करंट ही नहीं ले रहा है कुछ। अब देखो बड़ा आसान है, अब यहां से जो करंट इसमें गया वो इसमें गया, ये दोनों सीरीज में हो गए। जो करंट इसमें गया ये दोनों सीरीज में हो गए, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे चपटा दो तो किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए, तो सॉल्व हो जाएगा ना। ये दोनों सीरीज में कॉम्बिनेशन पैरेलल में आंसर आ गया। बट ये सब तभी हो सकता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। इफ देयर इज नो करंट इन दिस रजिस्टर दैट मींस एक्स एंड वाई हैव सेम पोटेंशियल, दैट मींस ये हो रहा होगा, क्लियर है। तो एग्जाम में ये दिखता है तो बीच वाला हटाओ और सॉल्व कर दो, ठीक है। अब एक सवाल आता है बुद्धिजीवियों का, सर ये कैसे, मतलब कैसे, हाउ कैन यू से दैट, हाँ हाउ कैन यू से दैट, हाँ हु टोल्ड यू सर, है ना, तो नो वन टोल्ड मी, मतलब हाँ स्टिल, हाँ मतलब डिराइव करते हैं और क्या, बातें करने से क्या फ़ायदा, तो आओ इसको मिटार के डिराइव करें।
व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब यह नहीं होता है कि बीच वाले में करंट नहीं जाएगा. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब यह होता है बीच वाले में करंट नहीं जाएगा. बैलेंस व्हीटस्टोन का ब्रिज का मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये. उस टाइम इसको हटा के ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल क्वेश्चन सॉल्व. क्लियर मिटा रहे हैं. अरे बढ़िया बढ़िया सवाल देंगे, टेंशन ना लो. चलो पहले इसका प्रूफ देखना है. सबूत मांगती है ये अदालत. ओके लेट्स सी द प्रूफ. प्रूफ चलो उसको बना लेते हैं फिर से. कचर कुचुर टू. और यहाँ पे बीच में कच 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 टू. ठीक है हाँ. ये ए, ये बी, ये रेजिस्टर हो गया हमारा आर वन, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R3, ये हो गया हमारा R4 और ये हो गया R5. मान लो ऐसा है. एक काम करते हैं कि इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है इस सेल का पोटेंशियल मान लो V, तो इधर प्लस V और इधर कितना मान लें जीरो कर सकते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल में प्लस V और नेगेटिव को जीरो. यहाँ से देखो तो यहाँ कोई रेजिस्टर कैपेसिटर कुछ तो है नहीं, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही ए पे होगा, यानी यहाँ पे भी वही पोटेंशियल होगा. तो इस जगह पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा V. और यहाँ जीरो 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 रास्ते में कोई रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर कुछ दिख नहीं रहा, जीरो 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 जीरो, तो यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल हो गया जीरो. बोलो सही है. अच्छा ये पॉइंट हमारा क्या था एक्स और ये पॉइंट हमारा क्या था वाई. अच्छा यहाँ तक ठीक है. मान लेते हैं यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ करंट I पहुँचा, दो रास्ते में बढ़ गया, इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2. अब हम क्या अजम्पशन ले रहे हैं इसमें, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम बच्चों ये अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम देयर इज नो करंट इन मिड रेजिस्टर R5. ये हमने अज्यूम कर लिया कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम. दिस इंप्लाइज X एंड Y हैव सेम पोटेंशियल. ठीक है तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल ऑफ X इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ Y को चलो X मान लेते हैं. ठीक है X का पोटेंशियल Y का पोटेंशियल सेम, तभी तो कोई करंट नहीं फ्लो किया. ये I1 आया सारा का सारा I1 इधर गया, I2 आया सारा का सारा I2 इधर गया. तो इसको X और Y की जगह इसको भी X ही बोल दे, स्मॉल X स्मॉल X दोनों जगह का पोटेंशियल. अब हमें प्रूफ करना है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. अब हमें प्रूफ करना है कि अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो डेफिनेटली ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, है ना. अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव वॉट R1 upon R2 is equals to छिछी इतना गंदा कौन लिखता है, R1 upon R2 is equals to R3 upon R4, और वो हमें गिवन कंडीशन है. अच्छा आप सोचो क्या किया जाए क्या किया जाए. एक एक रजिस्टर उठाओ, R1 वाला रजिस्टर उठाओ, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इधर V है इधर X, इसमें कोई करंट नहीं गया ये अजम्पशन है. ठीक है इधर V है इधर X है और करंट कितना है I1, रेजिस्टर कितना है R1. तो इस वाले रेजिस्टर के लिए क्या हम लिख सकते हैं V माइनस X इज इक्वल्स टू I1 R1. सोचो आराम से, डेल्टा V इज इक्वल्स टू IR लिखा जा सकता है. यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ X डेफिनेटली V से कम होगा तभी तो करंट इधर जा रहा है ना. यहाँ आते आते जीरो हो गया पोटेंशियल. तो V माइनस X इज इक्वल्स टू I1 R1. बोलो कोई दिक्कत नहीं. फिर यहाँ पे करंट यहाँ से यहाँ आ रहा, मतलब ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ x माइनस जीरो, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू आई वन इंटू आर थ्री, इक्वेशन नंबर टू. बोलो कोई दिक्कत, डेल्टा v इज इक्वल्स टू आई आर. इसी तरह से यहाँ पे आओ, डेल्टा v इज इक्वल्स टू आई आर लगाते हैं, डेल्टा v कितना होगा v माइनस x, भाई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो v बड़ा होगा x छोटा, इज इक्वल्स टू आई आर. I कितना है I2 into R2, equation number 3. इसी तरह से यहाँ पे आओ, करंट ऐसे जा रहा, ये बड़ा ये छोटा, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस जीरो इज इक्वल्स टू आई आर.
I2 into R4 इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दो, सेकंड को फोर्थ से डिवाइड कर दो। हर साल वही करते हैं, इस साल भी वही करेंगे। फर्स्ट को हर साल कोचिंग में करते थे, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दो, सेकंड को फोर्थ से डिवाइड कर दो। ये छोटी सी मक्खी निर्मम मौत मरेगी, सुबह से मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो डिवाइड फर्स्ट बाई थर्ड एंड सेकेंड बाई फोर्थ कहाँ किया जाए, यहीं कर लें, इसको मिटा दें। चलो हाँ, सो फर्स्ट डिवाइड बाई थर्ड एंड सेकेंड डिवाइड बाई फोर्थ। आओ करें, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 = I1R1 / I2R2। बोलो सही है, इसको इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये अपॉन ये। सेकेंड को फोर्थ से डिवाइड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 = I1R3 / I2R4 मिलेगा। यहाँ से आप I2 / I1 की वैल्यू निकालो, I2 को इधर भेजो, I2 / I1 = R1 / R2। यहाँ से भी देखो, I2 / I1 = R3 / R4। बोलो इतना क्लियर है? क्या किया मैंने, इसको इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल हुआ, 1 आया, 1 = I1 / R1 / I2R2। फिर मैंने इसको इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल हुआ, 1 आया, = I1 / R3 / I2R4। फिर मैंने कहा I2 / I1 की वैल्यू R3 / R4, I2 / I1 की वैल्यू R1 / R2। यार ये दोनों वैल्यू I2 / I1 की है तो सेम होगी, ये वैल्यू, इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे। दिस इम्प्लाइज ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो इनका RHS भी बराबर होगा, R1 / R2 = R3 / R4। तो हमने प्रूफ कर दिया, हमने ये अज्यूम किया कि इसमें जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो डेफिनेटली तभी हो सकता है ऐसा जब ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये। अब एग्जाम में आप इसका रिवर्स अप्रोच भी लगाओगे, अगर आपको दिख जाता है ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, तो समझ जाना बीच वाले से करंट नहीं जाएगा, उसको हम सर्किट से हटा देंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल। क्लियर है? नोट कर लें। हो गया? मिटा रहे हैं, छाप लें पॉज करके। कोई डाउट तो पूछें, पूछ तो रहे हैं सर, आप सुन ही नहीं रहे हो, क्या डाउट है? देखो यहां मैंने कहा था बैटरी कनेक्ट की थी, यहां वी पोटेंशियल मान लिया, यहां जीरो, ऐसा तो करते ही है ना हम लोग, बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, यहां वी माना तो यहां वी, यहां जीरो तो यहां जीरो, यहां बोला एक्स, यहां बोला वाई, फिर हमें गिवन है, उन्होंने बोल रखा है इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो हमने एक्स एक्स मान लिया। फिर इस रेजिस्टर के लिए इक्वेशन लिखी, V - X = I1R1, आई को डिवाइड किया I1 I2 में, ठीक है ना। फिर यहां पे हमने X - 0 = I1R3, अब यहां I1 करंट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कोई करंट गया ही नहीं, I1 आके इधर चला गया, I2 इधर, ठीक है। तो इसके लिए X - 0 = I1R3, इसके लिए V - X = I2R2, इसके लिए X - 0 = I2R4, यही तो लिखा है, ΔV = IR। फिर फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से डिवाइड किया, रीअरेंज किया, ये आ गया। क्लियर है? सवाल किए जाएं? चलो सवाल करते हैं इसके, ठीक है। तो पहले आपको एक दो हलवा सवाल करा दें, फिर दो तीन सवाल करा देते हैं सिंपल, फिर प्रीवियस ईयर कराते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आसानी सवाल आए हुए हैं इसके IIT में, ठीक है। हाँ तो सवाल नंबर 1 पहले तो एक हलवा सा कर लो, तो आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है इस कहानी में। सर पतंग कहाँ गई? पतंग उड़ गई बच्चों, पतंग बना के थोड़ी ना आएगा पेपर में, हो सकता हो आ जाए गिफ्टेड एकदम। ए बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सारे सवाल यही रहेंगे आज के, ठीक है भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर चल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ तो मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी 2 ओम, और यहाँ वैल्यू दी 4 ओम, और यहाँ वैल्यू दे दी 1 ओम, और यहाँ वैल्यू दे दी 2 ओम, और यहाँ वैल्यू दे दी 3 ओम। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बताओ जल्दी से, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी सी डी, अरे ऑप्शन देंगे क्या इतने घटिया सवाल का, चलो दे देते हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। चलो पॉज करके सॉल्व करो, हो गया अब तक? हो गया होगा। चलो देखते हैं क्या यहाँ पे
आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर, अरे वही तो सर्किट है, देखो ये एक्स वाला पॉइंट हो गया, ये वाई वाला पॉइंट हो गया। अब इसमें करंट जा रहा है कि नहीं ये पता लगाना पड़ेगा, जा रहा है तब तो सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं हुआ। तो देखते हैं, टू अपॉन वन इज इक्वल्स टू फोर अपॉन टू, सही बात है, देखो ना टू बाई वन इज इक्वल्स टू फोर बाई टू, इसका मतलब जो कंडीशन दी है वो कैसी है, बैलेंस्ड कंडीशन है। यहाँ भी दो आ रहा, यहाँ भी दो आ रहा है, दो दूनी चार, एक दूनी दो, बैलेंस्ड है। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इस बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको हटा सकते हैं। इसको हटाते ही सवाल हलवा बन गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, कॉम्बिनेशन पैरेलल में, दो और चार छः, एक और दो तीन, तो ये हो गया छः, ये हो गया तीन, बोला सही है, दो चार छः, छः और तीन पैरेलल में आंसर दो आता है, चाहो तो निकाल लो, आर इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। पैरेलल में ये फॉर्मूला लगा लेते हैं ना दो रजिस्टर के लिए, छः इंटू तीन अपॉन छः प्लस तीन, तो सिक्स थ्री ज़ा एटीन बाई नाइन इज इक्वल्स टू टू ओम। अब जो चाहे वन बाई आर वन, वन बाई आर टू भी कर सकता है कोई, अगर इसी लेक्चर में पहली बार आया है, पिछले लेक्चर्स नहीं देखा, वरना ये भी कर सकते हो, वरना मैंने तो याद कराया छः तीन का आंसर दो आता है ना, छः तीन का आंसर दो आता है, बारह छः का आंसर चार आता है, ये सब चीज़ें याद रख सकते हो आप, बारह चार का आंसर तीन आता है, मिटा रहे हैं, खैर छः तीन तो मतलब रटे ही रहो, छः तीन का आंसर दो। ये हुआ पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, छुपा हुआ वीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, छुपा हुआ, मान लो ये रजिस्टर आर, ये रजिस्टर आर, ये रजिस्टर आर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सर थ्री आर, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ऑप्शन तो देने दो, क्वेश्चन तो बनाने दो, चलो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आर बाई टू आर, टू आर, थ्री आर बाई टू, पॉज करके सॉल्व करो, पोटेंशियल मेथड से होगा, पिछले लेक्चर में सिखाया था, जितने लोग को नहीं याद है अभी फिर से बताएंगे पोटेंशियल मेथड, हो गया, जितने लोग को आता है आगे बढ़ जाए इसको सॉल्व करके, घुर घुर करके वीडियो को आगे बढ़ाएं, ढुर ढुर, हो गया, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, वीटस्टोन दिखाई पड़ रहा है, चलिए देखते हैं, आइए मैं करने जा रहा हूँ, ओके चलो पॉज करके कर लेना अभी मन हो तो, अभी भी समय, एक काम करेंगे, इसके अक्रॉस एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट करेंगे, इसका पोटेंशियल V बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ प्लस V, यहाँ जीरो, यानी A पे आया V, B पे आया जीरो, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे V है तो इस जगह पे V होगा, यहाँ पे जीरो है तो इस जगह पे जीरो होगा, अच्छा अब इस तार पे आगे चले, आगे चले, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, अगर रेजिस्टेंस नहीं आता तो यहाँ पे भी पोटेंशियल वी होता, ये मैंने बताया था कि एक तार ऐसा हो बीच में कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी ना हो, यहाँ पोटेंशियल वी तो यहाँ पोटेंशियल वी, ऐसे जोड़ दो ऐसे, यहाँ पोटेंशियल वी, यहाँ पोटेंशियल वी, और अगर बीच में रजिस्टर आ गया तब हम नहीं कह सकते कि यहाँ वी पे यहाँ होगा, तब भी हो सकता है बट श्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो तार कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ पर, बीच में रजिस्टर है तो हम नहीं बोल सकते, ये कनेक्टेड है देखो जीरो से जीरो बोला, ये कनेक्टेड था वी से वी बोला, अब बताओ क्या करें। अब देखो जब भी एग्जाम में पांच रजिस्टर छह रजिस्टर दिख रहे हो, सीरीज और पैरेलल दिखाई ना पड़ रहा हो तो क्या सोचो, मैंने बोला ना जब भी पांच रजिस्टर दिख रहे हो या छह रजिस्टर दिख रहे हो और सीरीज पैरेलल ना दिख रहा हो, सीरीज पैरेलल नहीं दिखे, नहीं दिखे तो क्या सोचो, वीट स्टोन सोचो, ठीक है, आओ वीट स्टोन सोचते हैं, वीट स्टोन में चार पॉइंट होते हैं ए बी एक्स वाई, तो ए बी हो गया, इसको चलो x बोल देते हैं, इसको चलो y बोल देते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, पहला वाला रजिस्टर किसके बीच में है, v और x के, दूसरा वाला x और y के, तीसरा वाला y और 0 के, चौथा वाला x और 0 के, पांचवा वाला v और y के, यानी जितने भी रजिस्टर हैं ये v x y 0 के बीच में ही हैं, तो बना लो, यहाँ मैंने बना लिया a, a बोले तो v, यहाँ बना लिया x, यहाँ बना लिया y, यहाँ बना लिया b, b बोले तो जीरो वाला,
अब देखो ये वाला रजिस्टर किसके बीच में है, वी और एक्स के बीच में, इसको बना लो वी और एक्स के बीच में आर। यह रजिस्टर किसके बीच में है, एक्स और वाई के बीच में, इसको बना लो आर। ये भी हो गया। ये रजिस्टर किसके बीच में है, वाई और जीरो के बीच में आर। ये भी बन गया। ये रजिस्टर किसके बीच में है, एक्स और जीरो के बीच में, ये भी बन गया। ये रजिस्टर किसके बीच में है, वी और वाई के बीच में, वी और वाई, ये भी बन गया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हलवा सवाल। आपको साफ साफ दिख रहा है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बीच वाले में करंट नहीं जाएगा। बोलो दिख रहा है, आर बाई आर इज वन, आर बाई आर इज वन, यानी देर इज नो करंट इन दिस रेजिस्टर, इसको आप हटा सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है, इसको हम हटा सकते हैं। मेथड समझ में आया, क्योंकि पांच रजिस्टर थे इसलिए मैंने इसको एक्स इसको वाई बोल दिया। तुम इसको एक्स इसको वाई बोलते तो भी आंसर सेम आता, बस दिमाग लगाना था कि ये एक्स और ये वाई, कोई एक एक्स और कोई एक वाई। अच्छा, अब हमने देखा आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, बीच वाले को हटा दिया, मतलब जो करंट इसमें जाएगा वो इसमें जाएगा और जो इसमें जाएगा वो इसमें, ये दोनों सीरीज, ये दोनों हटा देते इसको, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और आपस में पैरेलल, तो आर और आर कितने हो गए, टू आर, और नीचे भी आर और आर कितना हो गया, 2R, तो 2R 2R पैरेलल में आंसर कितना हो जाएगा, R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2R 2R, तो R equivalent is equals to 2R into 2R upon 2R plus 2R, 4R square upon 4R, तो आंसर आ रहेगा। मैंने बताया था जब इक्वल रजिस्टर हो n टाइम्स तो डिवाइड बाई n, तो दो बार इक्वल रजिस्टर है, 2R दो बार है तो दो से डिवाइड कर दो, सब तरीके हैं। पैरेलल में सिखाया था कि नहीं कि अगर R रजिस्टर n टाइम्स रिपीट हो तो R बाई n कर दो, तो यहाँ पे 2R दो बार रिपीट हुआ है तो 2R बाई टू, 2R बाई टू, तो R, खैर एनीवेज, तो आंसर इज बी। क्लियर हो गया, तो पांच छह रजिस्टर देख के दिमाग चलाने लगना, मिटा रहे हैं इसको, छाप लें जिनको नहीं आता था, बनाना ऐसे ही ए एक्स वाई बी, फिर जोड़ते जाना, पहला वाला V और X के बीच में लगा लिया, दूसरा वाला X और Y के बीच में लगा दिया, तीसरा वाला Y और जीरो के बीच में लगा लिया, ऐसे चेक चेक भी करते जाना कन्फ्यूज हो जाओगे, पांच वाला X और जीरो के बीच में, सब बच्चों का ही सब प्रॉब्लम होती है, लगा लिया, छठा वाला V और Y के बीच में लगा लिया, फिर देखा ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, इसको हटा दिया। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर तीन। चलो मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, निर्मम हत्या होगी इस मक्खी की जिसने मुझे आज सुबह से परेशान कर रखा है। हाँ, सारे रेजिस्टेंस आर आर आर, इमोशन समझना, हम आर ले रहे हैं, एग्जाम में कुछ और भी हो सकता है, दो दो ओम दिया हो, दो चार दिया हो, ऐसी वैल्यू सेट हो कि लास्ट में बैलेंस्ड बन जाए स्टोन ब्रिज, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही करते हैं। चलो भाई अब हमसे कहा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ट्राई करो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बताओ ए बी सी डी, आपके चार ऑप्शन हैं, आर बाई टू आर, टू आर, फोर आर। चलो पॉज करके सॉल्व करो, अब जो कॉन्सेप्ट सिखाया है वी एक्स वाई जेड सब यूज करो उसको भी, देखो कुछ अजीब सा शायद इस बार कॉम्बिनेशन बन रहा हो। हो गया, पॉज करके ट्राई कर लिया, मैं करूँ इसको, चलो अब हम करते हैं। आई होप अब तक आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, कर लिया है, ओके, ट्राई किया करो, तुरंत गिव अप मत किया करो वरना फ़ायदा क्या। चलो भाई तो हम इसमें एक बैटरी लगा लेते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बी बोल गए यहाँ, प्लस वी यहाँ जीरो लिख लेते हैं, ए को बोलेंगे वी पोटेंशियल पर, बी को बोलेंगे जीरो पोटेंशियल पर, ए वी पर तो ये पॉइंट बी वी पर, बी जीरो पर तो ये पॉइंट जीरो, ये पॉइंट जीरो, ये पॉइंट जीरो। बोलो बात समझ में आई, यही तो बताया था कि अगर तार हो और तार में बीच में रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर बैटरी ना हो तो जो पोटेंशियल वहाँ वो यहाँ वो यहाँ वही यहाँ,
एक तार में अगर बीच में कुछ नहीं लगा हो, यहाँ पोटेंशियल वी तो यहाँ वी, यहाँ वी, यहाँ वी। इसी तरह से हमने बोला कि एक बैटरी निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वी की इधर प्लस वी, इधर जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस वी हो गया, यहाँ वी तो यहाँ वी, यहाँ जीरो, 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 सही है इतना। अच्छा अब क्या हुआ, अभी कुछ पॉइंट्स बचे रह गए। अच्छा यहाँ वी तो यहाँ पे भी बोलो वी हो जाएगा, देखो तार से कनेक्टेड है। अभी भी कुछ पॉइंट बचे रहेगा, जैसे इस पॉइंट पे कुछ नहीं समझ में आ रहा, इस पॉइंट पे नहीं। तो मैंने देखा कि एक दो तीन चार पाँच छः रजिस्टर है, पाँच और छः रजिस्टर हो सीरीज पैरेलल ना दिखे तो समझ जाना वी स्टोन जैसा कुछ हो सकता है, चांसेस हैं। तो एक को एक्स कह दो, एक को वाई, तो इसको मैंने बोल दिया एक्स, इसको मैंने बोल दिया वाई, दो ही पॉइंट तो बचे थे। अच्छा इसको वाई बोलते ही ये भी क्या हो गया वाई। अब देखो ये रजिस्टर वी और वाई के बीच में, ये रजिस्टर वी एक्स के बीच में, ये एक्स वाई के बीच में, ये एक्स जीरो के बीच में, ये वाई जीरो के बीच में, ये वी जीरो, अब कोई रजिस्टर बचा नहीं। तो हम बना लेते हैं अपने पॉइंट्स, एक पॉइंट है अपना ए, एक पॉइंट अपना एक्स, एक पॉइंट अपना वाई, एक पॉइंट अपना बी। इसको आपने बोला वी, इसको बोला जीरो। चलो स्टार्ट करते हैं, ये वाला रजिस्टर स्टार्ट करें वी और वाई के बीच में, आर, ये वाला वी और एक्स के बीच में, आर, ये वाला एक्स और वाई के बीच में, आर। टिक लगा लो, ये भी हो गया। अच्छा ये वाला एक्स और जीरो के बीच में, आर, ये वाला वाई और जीरो के बीच में, आर। है ना, ये देखो y और जीरो के बीच में, ये भी हो गया। ये बचा v और जीरो के बीच में, v और जीरो के बीच में। इस बार छह रेजिस्टर थे तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा आना था, वो कहाँ पे आया, v और जीरो के बीच में, यानी इस लाइन पे आया। अच्छा मेरे को एक डाउट हो रहा है कि इस तार का क्या करें, इसको काटते हुए चलें किस पे से कूद कर चलें, देखते हैं। ये रजिस्टर कहाँ है, एक्स और वाई के बीच में, ये, और ये वाला रजिस्टर कहाँ है, V और जीरो। क्या दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं मतलब क्रॉस कर रहे हैं, दांत वाला काटना नहीं। बचपन में जो तुम करते थे, जब लड़ाई में हारते रहते थे बड़े भाई से, तो हाय करके काट काट लेते थे, है ना, सारी बहनें ही काम करती थी। अच्छा तो ये और ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, तो आप डका के ले जाओ यहाँ पे, ऐसे कचर कुचुर बनाओ, इसको ऐसे क्रॉस करा के ऐसे बांध दो, बोलो समझे। ये क्या किया, ये आपने क्रॉस कर दिया, इसको टच नहीं किया। अब देखो क्या है कि इस वाले रजिस्टर को तो साइड रखो कहानी से, इससे कोई मतलब ही नहीं, दिमाग में सोचो आराम से। मान लो यहाँ से कुछ करंट होता तो कुछ करंट इसमें जाता, कुछ इसमें जाता, कुछ इसमें जाता। अब ये वाला तो इसको टच भी नहीं कर रहा है, अगर टच कर रहा होता तब हम दिमाग लगाते भी, इस वाले को कुछ मतलब ही नहीं जो पूरी अंदर कहानी चल रही थी उससे। यहाँ मान लो करंट I1 जाएगा, यहाँ मान लो I2 जाएगा, तो इसमें I3 जाएगा, और I3 सीधा यहाँ बाहर हो जाएगा, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। I3 ऐसे प्लेन के बाहर से जा रहा है बिना टच किए, इसके ऊपर से, तो I3 ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, उसको पूरी कहानी से कोई मतलब ही नहीं। तुम अंदर जो कहानी खेल रहे थे खेलते रहो, नहीं समझे भाई। I3 करंट आर, इस वाले आर रजिस्टर में ऐसे चला गया, कहानी तो अंदर चल रही है यहाँ पे पूरी, जो टच कर रहे हैं सब, ये सब टच कर रहे हैं, एक्स इसको टच कर रहा है, ये इसको, ये तो ऊपर ऊपर निकल गए, तो इनसे कोई मतलब नहीं। तो आप चेक करो, क्या ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये है, बिल्कुल है, मतलब बीच वाला रजिस्टर एक्स और वाई वाला आप हटा सकते हो। सिंस यू कैन सी आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, कौन सा आर बाई आर, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो ये वाला बीच वाला हटा सकते हो, तो इसको मैंने हटा दिया। अब की बार क्या है, क्या थोड़ा कहानी थोड़ी लंबी है, एक ए है एक बी है, ऊपर आर और आर, कितना हुआ टू आर, ये दोनों तो सीरीज में हुए ना, आई वन जो जाएगा वो इसमें जाएगा, तो ये टू आर, और नीचे आर और आर, ये भी टू आर, और बीच में कितना रजिस्टर है एक आर, तो ये तीनों किसमें हो गए पैरेलल में, तो टू आर का इक्विवेलेंट होगा आर, और आर का आर बाई टू इज द आंसर। बोले समझ में आया, दोनों इक्वल है ना, टू आर तो आधा हो जाएगा आर, फिर आर और आर इक्वल तो आर बाई टू। जिनको नहीं आया वो पोगो टीवी देखें या ऐसे निकालें, वन बाई टू आर प्लस वन बाई टू आर प्लस वन बाई आर, एलसीएम कितना हो गया टू। अरे सब सिखाया है ना पिछले लेक्चर्स में कि इक्वल है तो डिवाइड कर दो से, जितने टाइम से उतने टाइम से डिवाइड कर दो,
दो आर दो बार है तो दो से डिवाइड कर दो आर, फिर आर आर दो बार है दो से डिवाइड कर दो आर बाई टू। अब देखो एलसीएम हो गया इसका, ऐसे तो करते हैं ना, वन बाई आर इज इक्वल्स टू वन बाई आर, वन बाई आर टू वन बाई आर थ्री, तो वन बाई टू आर, वन बाई टू आर, वन बाई आर, टू आर हो गया एलसीएम, यहाँ आएगा वन, यहाँ आएगा वन, यहाँ आएगा टू, टू वन थ्री वन फोर, फोर बाई टू आर, सो दिस विल बी टू बाई आर, एंड छी छी इतना गंदा कौन लिखता है, इज इक्वल्स टू फोर बाई टू आर, तो ये हो जाएगा टू बाई आर, वन बाई आर इक्वेलेंट इज टू बाई आर, तो आर इक्वेलेंट विल बी आर बाई टू। क्लियर है? चलिए एक आईआईटी का सवाल लेते हैं जिसमें इसी अप्रोच का थोड़ा और अच्छा अप्रोच आएगा, ठीक है, थोड़ा आराम से करना, थोड़ा सोच समझ करना, देने जा रहे हैं, ठीक है, दें आपको, 2002 का सवाल है जबकि, पर अच्छा सवाल है, मतलब बच्चा सोच तो रहा था वीट स्टोन लगाए, पर आखिरी मोमेंट तक कन्फर्म नहीं हो पाया कि लगा पाएंगे कि नहीं। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, आईआईटी 2002, उन दिनों की बात जब आप छोटू से थे, छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था वाला टाइम। हाँ, तो हमसे क्या पूछा 2002 में इन्होंने, कि मान लो यहाँ पे पी है, और यहाँ पे Q है, और यहाँ से कनेक्ट कर दिया और हमसे कहा था फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, वैल्यूज एग्जैक्टली सही है कि नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ऑप्शंस और वैल्यू दोनों चीज़ यहाँ से निकाल दूँ इसकी, तो ऑप्शंस और वैल्यूज़ क्या दिए हैं इसमें हमें, हाँ तो ऑप्शंस और वैल्यूज़, हाँ वैल्यूज़ में आर और आर होगा स्मॉल में, ए यहाँ पे आर और आर, और चार ऑप्शंस हमको दे रहे हैं पी और क्यू के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, 8R R plus R upon 3R plus R, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 2R plus 4R, तीसरा ऑप्शन दे रहा है हमको 5R by 2 plus R, और चौथा ऑप्शन दे रहा है हमको 2R R upon R plus R, ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, दिखाई पड़ रहा है सब कुछ, सारे ऑप्शन बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, 5R by 2 plus small r और 2RR by r plus r, चलिए पॉज करके कर लें, 1 2 3 4 हो गया, मैं करने जा रहा हूँ, पॉज करके जरूर ट्राई करना, जरूर से कॉपी पे चलाओ, कुछ तो निकलेगा हल, चलो देखा जाए, आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, क्या कहानी होगी। तो देखो पहले तो दिमाग चलाओ, कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे V पोटेंशियल लिख लो, यहाँ जीरो लिख लो, यहाँ से कुछ करंट लेके जाओ, करंट को तीन रास्ते मिल रहे हैं, एक ये वाला रास्ता I1, एक ये वाला रास्ता I2, एक ये वाला रास्ता I3, जो करंट यहाँ से जाएगा वो यहाँ निकल जाएगा, ऐसा क्यों, इस बार ये इसको क्रॉस करके थोड़ी ना जा रहा है, इस बार तो टच करके जा रहा है, करंट यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ जो I1 गया वो भी डिवाइड होगा, यहाँ जो I2 गया वो भी डिवाइड होगा, अब क्या करें क्या करें, इसको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाला पोर्शन देखो ध्यान से, सब मिटा दो, ऊपर वाला पोर्शन पहले ध्यान से देखो, ए ए ए ए ये पोर्शन, क्या ये बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है, बिल्कुल है, 2R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 2R अपॉन स्मॉल r, यानी यहाँ से जो करंट जाएगा वो इसमें नहीं आएगा, या ऐसे समझो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, अरे भैया जो P से करंट आएगा उसको दो रास्ते मिलेंगे यहाँ पे, ऐसे समझो इसमें I1 गया मान लो, इसमें I2 गया, तो I1 यहाँ पे डिवाइड होना चाहता था I2 यहाँ पे, पर देखो ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, मतलब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, यानी इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब आप इसको तो हटा ही सकते हो ऊपर से, चलो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसी तरह से नीचे वाले पोर्शन को देखो, नीचे वाले में भी सेम कहानी, यहाँ मान लो I3 गया, यहाँ I2 गया, यहाँ I3 गया, जो भी है, जब यहाँ करंट जाएगा डिवाइड होने का चांस, यहाँ भी डिवाइड होने का, पर ध्यान से देखो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल भी सेम होगा, यानी इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको भी आप हटा सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2R 2R सीरीज में, 2R 2R सीरीज में, RR सीरीज में और कॉम्बिनेशन पैरेलल में, P
क्यू टू आर, टू आर सीरीज में कितना हो जाएगा फोर आर, नीचे भी टू आर सीरीज में कितना हो गया फोर आर, और आर आर सीरीज में कितना हो गया टू आर, फोर आर फोर आर टू आर। आर इक्वलेंट कैसे निकालोगे, फोर आर का हो जाएगा टू आर, और टू आर और टू आर का निकाल लो, या ऐसे कर लो वन बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू वन बाई फोर आर प्लस वन बाई फोर आर प्लस वन बाई टू आर। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, इधर चार आर, चार आर आर हो जाएगा ना, फोर आर आर ये होगा एलसीएम, वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन, वन बाई आर टू, वन बाई आर थ्री। एलसीएम हो जाएगा एक तो चार उठा लो और आर इन टू आर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर से, इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर से, इसको टू इन टू कैपिटल आर से, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ लिखते हैं 2R प्लस 2R अपॉन 4R R, तो यहाँ से 2 कॉमन लो, R प्लस R अपॉन 4R R, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, सो 1 बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है R प्लस R अपॉन 2R R, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R R अपॉन R प्लस R, ऑप्शन नंबर डी 2R R अपॉन R। समझ में आया, यहाँ पे टच करके जा रहा था इसलिए उठाया नहीं मैंने, बट हमने देखा ऊपर वाला भी वीट स्टोन बैलेंस, नीचे वाला भी बैलेंस, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, उसके बाद तो आसान है सब, क्लियर है, मिटा दिया जाए, ओके। इसके बाद एक सवाल हम आपको 2012 का दे रहे हैं, उसमें मोर देन वन करेक्ट बोला था आईआईटी में, कि एक या एक से ज़्यादा सही, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं था बट बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज का ही। अगला क्वेश्चन जो है वो है आईआईटी 2012 और मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। देखो क्या सवाल दिया इन्होंने, बढ़िया सवाल था, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं इसमें ऑप्शंस जो है, ठीक है। ठीक है, तो बढ़िया ऐसा डिजाइन वाला सवाल, डिजाइन, ठीक है। यहां बोला 12 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, इसको बोला 2 ओम, इसको बोला 2 ओम, इसको बोला 2 ओम, ठीक है, इसको बोला 4 ओम, इसको बोला 4 ओम, इसको बोला 4 ओम, वैल्यूज पढ़ने में आ रही है, बहुत बढ़िया। इसको बोला एक ओम, इसको बोला एक ओम, ठीक है, इसको बोला पी, इसको बोला क्यू, इसको बोला एस, इसको बोला टी। अब इसके बाद इन्होंने चार ऑप्शन दिए, जरा ऑप्शन ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन है नो करंट से हट जाऊं मैं, फ्लोज थ्रू ब्रांच पी क्यू, पी क्यू में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। दूसरा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे कुछ करंट बना बना के दिए, यहाँ बना के दिया था I1 और यहाँ बना के दिया था I2, तो दूसरा ऑप्शन है करंट I1 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तीसरा ऑप्शन है पोटेंशियल एट S इज लेस देन दैट एट Q। चौथा ऑप्शन है करंट I2 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। पॉज करें और देखें इसमें से कितने ऑप्शन सही हैं, सोचें व्हीटस्टोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सोचें। हो गया 1, 2, 3, 4 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, एक बार जरूर ट्राई करो, खुद से करने का जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं है। हाँ भाई, तो देखते हैं, वापस आके शुरू करते हैं। नो करंट फ्लोज थ्रू ब्रांच पी क्यू, पहला ऑप्शन ध्यान से देखो, कह रहे हैं इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, जरा सोचो ध्यान से, तो ये एक एक्सटेंडेड वीट स्टोन ब्रिज ही तो है भाई, यहाँ से करंट आई वन आएगा, ये आई वन दिया है उन्होंने उनकी मर्जी, और दो ब्रांच में बटेगा, है ना, और ध्यान से देखो जब यहाँ करंट बटेगा तो इस जगह पे फिर बटना चाहेगा, पर अगर तुम इस बीच वाले को छुपा दो और ध्यान से देखो तो ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, और इवन बीच में भी वीट स्टोन कंटिन्यूड है,
2 by 4 is equal to 2 by 4 is equal to 2 by 4. कहने का मतलब हर बार यहाँ और यहाँ का, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम आएगा भाई. एक्सटेंडेड वी स्टोन, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, लास्ट तक कैरी ऑन है, यहाँ से यहाँ तक पूरा. एक तो सीधा सीधा देखो तो भी, और बीच में भी, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर. यानी बीच वाले रजिस्टर तो फालतू दिए आपको, ये तो वैसे भी लगे नहीं होने चाहिए. खत्म. यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर, पी का पोटेंशियल क्यू के बराबर, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. पहला वाला ऑप्शन सही है, नो करंट फ्लोस थ्रू ब्रांच पी क्यू. भाई ये अपॉन ये, ये अपॉन ये, ये अपॉन ये, पूरा चल रहा है बढ़िया. वीक्सन दूसरा कह रहा है करंट आई वन इज 3 एम्पियर. अच्छा, इसके लिए तो आई वन के लिए पूरा सर्किट सॉल्व करना होगा. तीसरा देखते हैं, पोटेंशियल एट एस इज लेस देन दैट एट क्यू. पोटेंशियल एट, इसको हटा दें, पोटेंशियल एट एस इज लेस देन दैट एट क्यू. अच्छा, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, पी से एस. इसका मतलब पी का पोटेंशियल एस से बड़ा है. भाई करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो डेफिनेटली इसका पोटेंशियल इससे बड़ा है. दूसरी चीज, हम ये पता लगा चुके हैं कि पी और क्यू का पोटेंशियल क्या है, सेम, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम. तो पी का इससे बड़ा है तो क्यू का नहीं बड़ा होगा. वी क्यू इज इक्वल्स टू वी पी एंड बोथ आर ग्रेटर देन वी एस इज इक्वल्स टू वी टी. ये दोनों बराबर हैं पर दोनों इससे छोटे होंगे. इनका पोटेंशियल मान लो 5-5 वोल्ट, इनका मान लो 2-2 वोल्ट. क्लियर है? तो ये ऑप्शन भी सही है, पोटेंशियल एट एस इज लेस देन पोटेंशियल एट क्यू. दो सही हो गए, बाकी दो टेस्ट करने हैं. बाकी दोनों के लिए सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, करंट निकालना है. वो सॉल्व करते हैं, 2 2 2 सीरीज में 4 4 4 सीरीज में. तो बारह वोल्ट, ये कितना है, 2 2 2 कितना हो गया, 6 4 4 4 कितना हो गया, 12. 12 और 6 पैरेलल में आंसर कितना आता है, 4. करके देख लो, 1/R = 1/12 + 1/6, एलसीएम हो गया 12, ये रहेगा 1, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3/12 यानी 1/4. 1/R = 1/4, सही है, 1/R 1/R 2, एलसीएम 12, 1 और ये 2, 3/4, 1/4, तो R इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का. तो बैटरी को कितना है, सेल को कितना रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, 4 ओम का. सेल के पास पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट का. 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस दिख रहा है 4 ओम का. तो कितना करंट निकालेगी, 12/4, आई वन इज 12/4, 3 एम्पियर सही है. मतलब आई वन इज 3 एम्पियर है ना, यहाँ से कितना करंट निकला, 3 एम्पियर. देखो इसको रेजिस्टेंस दिख रहा है इतना, तो आई वन इज V/RE 12/4, 3 एम्पियर. अब ये 3 एम्पियर यहाँ आके दो पार्ट में बट जाएगा. लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा कि I2 में 2 एम्पियर, तो या तो करंट डिवाइड करो या तो दिमाग लगा लो. यहाँ पे करंट देखना है ना, I2 में सब में करंट सेम रहेगा ना सीरीज में. यहाँ पे तो एक बात बताओ, इस 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल. भाई यहाँ पे देखो, ये किससे कनेक्टेड है, इधर 12 से इधर 0 से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है. तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 12/6, कितना, 2 एम्पियर. सही है, क्लियर है भाई. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, रेजिस्टेंस है 6 12/6 2 एम्पियर. चारों ऑप्शन सही थे. तो इसी पे, यहीं पे इस लेक्चर को रोकते हैं. अगला जो लेक्चर है वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का होगा, जहाँ पे सिमेट्री लॉ पढ़ेंगे. तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.